अभी बढ़ते हैं सारे एग्जाम का फेवरेट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है क्या, प्रोबेबिलिटी। ऐसी कोई भी एग्जाम नहीं है जिसके अंदर इसके बेसिस पे कोई क्वेश्चन नहीं आया होगा, इंक्लूडिंग पीएसयूज। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको अच्छे से समझ जाइएगा। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी होती क्या है, एज पर मैथमेटिक्स इट इज नथिंग बट रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय पॉसिबिलिटी। मैथमेटिक्स हमको आता नहीं है ढंग से, इसलिए हमने अलग से डेफिनेशन बनाया। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, व्हाट आई वांट डिवाइड बाय टोटल। ये सिंपल सा लॉजिक याद रखो, क्या, व्हाट आई वांट डिवाइड बाय टोटल। अब ये व्हाट आई वांट क्या होता है, क्वेश्चन में जब आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट आई वांट होता क्या है और टोटल क्या है। तो ये फॉर्मूला मैं तब एक्सप्लेन करूंगा। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जो है बहुत अलग अलग वेराइटी में पूछे जा सकते हैं। बेसिकली प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जिसमें फ्रेम ज्यादातर किए गए हैं वो टॉपिक कुछ इस तरीके से है। कॉइंस पे दो अनबायस्ड कॉइन, अनबायस्ड कॉइन का मतलब क्या होता है, शोले के कॉइन को अगर आपने देखा होगा उसका हेड भी वही है और टेल भी वही है। ऐसे कॉइन्स यहाँ पे वैलिड नहीं होते। यहाँ पे जो भी कॉइन्स कंसिडर होते हैं उसमें एक फेस पे हेड होता है, दूसरे फेस में टेल्स होता है। हर कॉइन के सिर्फ दो ही फेस होते हैं। तो यहाँ पे अगर एक कॉइन टॉस किया तो क्या, दो कॉइन टॉस किया तो क्या, तीन चार, ऐसे नंबर ऑफ कॉइन्स हमको दिया जा सकता है। तो कॉइन्स के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। दूसरा डाइस, अगर आप लोगों ने सांप सीढ़ी का खेल या लूडो का खेल खेला होगा तो आपको डाई का अच्छे खासा आइडिया होगा। ए डाई हैज सिक्स फेसेस और हर सिक्स फेस में एक ना एक मार्क होता है स्टार्टिंग फ्रॉम वन टू सिक्स। तो वहां पे हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। तीसरा है कार्ड्स, कार्ड्स में भी टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, कौन से शेप के होते हैं, कौन से कलर के होते हैं, फेस कार्ड क्या होते हैं, नंबर कार्ड्स क्या होते हैं, उनके बेसिस पे बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन तैयार होते हैं। पर अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया देन इट इज नथिंग टू सॉल्व। नेक्स्ट इज मार्बल, मार्बल माने के जो कंचे बचपन में हम लोगों ने खेले होंगे उनके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट डिफेक्ट्स, असल में डिफेक्ट्स ये टॉपिक मैथमेटिक्स में कवर होता है। इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जो टॉपिक यहाँ पे कंसिडर होता है उसका नाम है हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी। तो उसको सॉल्व करने का तरीका मैथमेटिक्स में एक्सप्लेन किया जाता है, पर क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है प्रोबेबिलिटी ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है और कई बार इसके बेसिस पे क्वेश्चन एप्लीट के एग्जाम में आए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे भी कवर करने वाला हूँ। तो अब हम जो डिलीवर करने वाले हैं इस चैप्टर में वो ये सारा कंटेंट है। ठीक, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें दो चीजें समझ लीजिए। अगर क्वेश्चन में एंड वर्ड यूज हुआ है, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे एंड यूज हुआ है तो मल्टीप्लाई करना, और अगर और यूज हुआ है तो ऐड करना। बस ये बेसिक था। अभी हम बढ़ते क्वेश्चन की तरफ।